हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपको मेरे किचन में स्वागत है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज हम बनाने वाले हैं कच्ची करियों की खट्टी मीठी लौजी। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है, महीनों दिन तक आप इसे बना के स्टोर कर सकते हैं। चलिए बनाना शुरू। हाफ के जी हमने ये जैगरी गुड़ ले लिया है और इसमें हम डालेंगे पानी। पहले इसे हमें गला लेना है। पानी हमने डाल दिया, अब इसको हम साइड में हटा देते हैं। अब कैरी ले लेते हैं। कैरी हमने ले ली है, 1 केजी हमने कैरी ली है। कच्चे आम जो है हमने ताज़ा ले लिया है। देखिए, हमने इसे पानी में भिगो दिया है। 1 घंटे पहले हमने आम लिया था और इसको हमने पानी में भिगो दिया। 1 घंटा हो गया। अब अच्छे से साफ से इसे हमें धुल लेना है, क्योंकि जब आम ताज़ा रहता है, तोड़ के आता है, तो उस पर से वो जो इससे निकलता है वो सारा साइड में लग जाता है। तो इसलिए इसे पहले अच्छे से आम को जब यूज़ किया जाता है तो पानी में भिगो दिया जाता है, साफ से अच्छे से धुल के उसके बाद से यूज़ में लें। छिलका जो है साफ कर लेना है। अच्छे से हम छिलका जो है उतार लेंगे। अब देख सकते हैं, अच्छे से छिलका उतार लेना है, तभी आम की खट्टी मीठी लौजी जो है बहुत ही टेस्टी बनती है। इस तरीके से आप बनाएंगे। देखिए, छिलका जो है अच्छे से हमें साफ़ करना है। गर्मी का जब सीज़न आ जाता है, आम आना शुरू हो जाता है ताज़ा ताज़ा, तो इस तरीके से बना के आप इसे महीने दिन तक स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही फ़ायदा भी करता है। आप सबको पता है कि आम के बारे में कि आम कितना फ़ायदा करता है। देखिए, ऐसे हमें छिलका उतार के सारे आम का छिलका जो है साफ़ कर लेंगे। कैरी को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसे हमें क्या करना है, ऐसे बीच से कट लगाना है और ये जो बीज है इसे हटा देंगे। बीज हटा देने के बाद अब हमें इसे क्या करना है, ऐसे देखिए पतले पतले पीस ऐसे इसे हमें काट लेना है। कैरी को सारी कैरी जो है ऐसे ही हम काट के तैयार कर लेंगे। कैरियों को हमने साफ कर लिया, अच्छे से छिलका जो है उतार लिया, हमने पतले पतले पीस में काट लिया है। कढ़ाई को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, चूल्हे को ऑन कर देते हैं। अब हम डालेंगे इसमें मस्टर्ड ऑयल, बस इतना ही डालेंगे। देख सकते हैं आप, ये ज़्यादा नहीं है, 1 बड़ा चम्मच के अनुसार तेल है। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल जो है काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें डालेंगे जीरा, हींग, सौंफ, हमने ये तीनों चीज़ डाल देनी है। कलर जो है चेंज हो गया है। इस समय हम डालेंगे सूखी मिर्चें। हमने खड़ी मिर्च ले लिया है, आप इसकी जगह पाउडर भी यूज़ में ले सकते हैं। अब इसको डाल के और इस समय तुरंत हम जो कैरी हमने काट के तैयार किया था उसे डाल देंगे, क्योंकि मिर्च जो है ज़्यादा जलना शुरू हो जाएगा तो खांसी आने स्टार्ट हो जाती है, इसलिए तुरंत डाल दिया जाता है। ये सारी कैरियों को डाल देंगे। कैरियों को हमें 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लेना है, कम पे रख के। इसे का भून लेने से ये रहता है, खटास जो है उसकी कम हो जाती है, टेस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाता है। खट्टी मीठी आम की जो लौजी है उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, इसलिए हमें इसे भून लेना है। देखिए, बीच बीच में चलाते हुए हमें भूनना है इसे। अब इसमें जाएगा ये सेंधा नमक, अब जाएगा ये चाट मसाला। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 5 से 7 मिनट लग गया है इन्हें भूनने में। अब देख सकते हैं कितना कम हो गया है। जब भूनने के बाद ये गल जाता है तो थोड़ा सा कम हो जाता है। अब इसमें गुड़ वाला पानी जो है डाल देते हैं। देखिए, हमने इसे भिगो के रखा था, थोड़ा हल्का हल्का सा गुड़ नीचे बैठ गया है। सारा गुड़ का पानी डाल देंगे, जो भी एक्स्ट्रा गुड़ बचा रहेगा उसको भी पानी डाल के और डाल देंगे। देखिए कैसे अच्छे से, आप कभी भी गुड़ को यूज़ करिएगा तो पानी में भिगो दीजिएगा, वो गल जाएगा, उसके बाद से पानी उसका गुड़ वाला पानी डालिएगा, क्योंकि जो भी गुड़ में बहुत कचड़े होते हैं, आप देख सकते हैं सामने दिख रहा होगा, सारा पानी जो है छान देते हैं। इसमें सारा गुड़ का घोल हमने डाल दिया है। अब इसमें जाएगा ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए होता है, ये तीखा नहीं होता। लौजी का जो है कलर प्यारा दिखेगा। देखिए, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने 1.5 गिलास पानी जो है यूज़ में लिया है, 1 पाव की गिलास थी, बस इतना पानी पर्याप्त है। इससे ज़्यादा हमें इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बहुत जल्दी कैरियाँ जो है गल जाती हैं। इसलिए बस अच्छे से हमें पकाना रहता है कि टेस्ट जो है बढ़ जाए, बहुत अच्छे से तैयार होता है ये। देखिए, अब इसे हमें ढक के और इसे पकाना है कैरियों को, बीच बीच में चलाते हुए। देखिए, हमने सारा गुड़ का पानी जो है छान के डाल दिया। आप देख सकते हैं कितने कचड़े इसमें निकले हुए हैं।
अब ऐसे ही कैरी को हमें ढक के पकाना है, बीच बीच में चलाते हुए, बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। आप देख सकती हैं ये कैसे कलर जो है कितना प्यारा हो गया है। अब ऐसे ही अच्छे से इसे 15 से 20 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। जितने अच्छे से पकेगा उतना ही टेस्टी लौजी जो है बनके तैयार होगी, वो भी ढक के ही पकाना है। बीच बीच में हमने चलाते हुए देखिए खट्टी मीठी कैरी की लौजी जो है बनके तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी बना है। अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। अब इसे हम बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसको हम कटोरे में निकाल लेते हैं। हमने एक कटोरा ले लिया है, इस कटोरे में लौजी जो है खट्टी मीठी आम की लौजी को निकाल लेते हैं सारा इसी में। आप देख सकते हैं हमने कटोरे में इसे निकाल लिया है, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। हम आपको पास से भी दिखा देते हैं, बहुत ही टेस्टी बना है। इस तरीके से आप बनाइए और खाइए। अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? और न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।